कब किसकी किस्मत बदल जाए किसी को पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर साय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के विषय में, जो कि सट्टा बाजार के नए आंकड़े आए हैं जिसमें बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। आखिरकार ये कैसे हो गया कि सट्टा बाजार बीजेपी को इतनी सारी सीटें दे रहा है? सीटें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता देता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो ओपिनियन पोल चल रहे थे टीवी में या मेरे वीडियो में, मैंने 52 से 54 सीटें खाली बीजेपी को 110 से 115 सीटें दी थी, लेकिन यकायक सट्टा बाजार ने बीजेपी को जीत की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरकार ये कैसे हो गया? दोस्तों बीजेपी जो 52 से 54 सीटें पा रही थी आज से 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन बाद सीधा इतना बड़ा उछाल अपने आप में एक कहानी बयां कर देता है। लेकिन उस कहानी के पीछे भी एक कहानी है, समझ लीजिएगा, उस कहानी के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी की रैलियां राजस्थान के अंदर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 52 से 54 सीटें ही खाली बीजेपी को मिल रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैलियों की वजह से राजस्थान में बीजेपी फिर एक बार सत्ता में आने के लिए तैयार है। दोस्तों सट्टा बाजार के जो ताजा तरीन आंकड़े आए हैं जिसमें बीजेपी को 90 से 95 सीटें दी गई हैं, जहां पर कांग्रेस को 100 से 105 में लाकर खड़ा कर दिया गया है। आखिरकार बीजेपी 15 दिन में इतना उछाल मार सकती है, ये कैसे हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैलियां राजस्थान के अंदर एकाएक रखी गई और बहुत बहुत सारी रैलियां रखी गई, जिससे राजस्थान का गणित पूरी तरह से बदल गया। आखिरकार राजस्थान इस बार कौन ले जाएगा? जो सबके मन में संशय था कि कांग्रेस इस समय राजस्थान में आ रही है, तो कांग्रेस को शायद है फिर इंतजार करना पड़ेगा। एंटी कॉन्वेंसी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि रैलियों की वजह से सट्टा बाजार की मार्केट बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव दे रही है, क्योंकि बीजेपी 90 से 95 सीटें 15 दिन में उछाल कर गई है, यानी अब बीजेपी जीत भी सकती है। इसलिए सट्टा बाजार ने ये जो नए आंकड़े आप लोग के सामने रखे हैं, जिसमें बीजेपी 90 से 95 सीटें पा रही है, जबकि कांग्रेस 100 से 105 सीटों पर अटकी हुई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सट्टा बाजार के जो नए ताजा तरीन आंकड़े आए हैं, क्या वो बीजेपी के एकदम सच आंकड़े हैं, जो कि आज हमको 11 तारीख को 11 दिसंबर को पता चल जाएगा कि आखिरकार राजस्थान में कौन जीत रहा है। लेकिन सट्टा बाजार ने ये आंकड़े लाकर पूरी तरह से कांग्रेस को डरा जरूर दिया है, बीजेपी वालों को खुश जरूर कर दिया है, जिससे कि बीजेपी के खेमे में काफी खुशियां देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।